क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। एबी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सीडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एडी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ना सॉल्यूशन इज की फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्टली ए रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी ड्रॉ। नाउ वी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, नाउ ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, नाउ डायगोनल ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट पॉइंट ट्रायंगल ए बी सी कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई द यूजिंग द गिविंग मेजरमेंट्स एज फॉलोज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। नाउ टेक अ बी इज द सेंटर पॉइंट, नाउ मेक एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर एंड टेक अ सी पॉइंट्स एंड मेक अगेन आर्क 7 सेंटीमीटर, कट्स ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ ए, देन जॉइन बी टू ए एंड ए टू सी। नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड इज की वर्टेक्स डी एज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वर्टेक्स ए, देयरफॉर व्हाइल टेकिंग ए एज एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड इज टेकिंग सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी, जॉइन डी टू ए एंड सी। नाउ मेक एन आर्क 6 सेंटीमीटर एंड सी इज द सेंटर पॉइंट, मेक एन आर्क 4 सेंटीमीटर, मीट एट पॉइंट डी, देन जॉइन टू ए टू डी एंड डी टू सी। नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ इज कि ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। नाउ क्वेश्चन पार्ट नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट कि रोम्बस बी ई एस टी, बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ई टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द आंसर इज कि वी नो दैट द ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ द सेम, हैंस बी ई इक्वल टू ई एस इक्वल टू एस टी इक्वल टू टी बी। ए रफ स्केच ऑफ दिस रोम्बस कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। नाउ ई टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ई एस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एस टी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड बी टी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ई बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। नाउ कंस्ट्रक्शन रोम्बस, फर्स्ट पॉइंट इज कि ट्रायंगल BET can be constructed by the using the given measurement. Now first of all draw ET equal to 6 cm and take a C is the center point and make an arc 4.5 cm and taking T is the center point and make an arc 4.5 cm. Intersect each other at a point of B, join E to B and B to T. Now point number 2, vertex S is 4.5 cm away from vertex E and also from T. Therefore, while taking E and T as center, draw arc of 4.5 cm radius which will be intersecting each other at point S. Now third point is join S to E and T. Now T is, E is the center point. Now make an arc 4.5 cm. And taking T is the center point. Now make an arc 4.5 cm. Intersect each other at point S. Join E to S and T to S. Point number 4th is BEST is a required rhombus.